हेलो वेलकम अगेन आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थ्री टाइप्स की हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड की तीन टाइप्स हैं सॉलिड्स फर्स्ट टाइप है कंडक्टर्स सेकेंड टाइप है इंसुलेटर्स थर्ड टाइप है सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स कंडक्टर्स फर्दर टू टाइप्स के हैं मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की सब टाइप्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वे सेमी कंडक्टर्स भी टू टाइप्स के हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर तो एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है तो so उस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को अटैच भी कर दूंगा एंड में आप वहाँ से देख लेना तो so कंडक्टर्स क्या होते हैं फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं कंडक्टर्स द सॉलिड्स विच अलाउ दैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम आर कार्ड कंडक्टर्स तो कंडक्टर वो सॉलिड्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने देते हैं पास होने देते हैं वो होंगे कंडक्टर्स कंडक्टर्स फर्दर टू टाइप्स के हैं मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं द सलिड्स विच अलाउ दैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज तो मेटालिक सॉलिड्स और मेटालिक कंडक्टर वो होते हैं वो सॉलिड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं आता मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टेंस तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल फॉर है फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट तो मेटल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिक करंट होता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है मेटल के अंदर तो उसी से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है मेटल्स के अंदर तो एग्जाम्पल्स हैं ऑल मेटल्स दैट इज सिल्वर कॉपर एलुमिनियम आयरन एट्सट्रा तो जो आउटसाइड सर्किट होता है उसमें क्या होता है आयरन की वायर होती है अंदर से बाहर से अल्मोनियम वायर्स लिपेटी होती हैं जो पोल्स पे वायरिंग ही होती है और जो होम सर्किट होते हैं घर के अंदर वायरिंग होती है उसमें कॉपर वायर्स का यूज़ होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई क्योंकि मेटल्स में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल होते हैं तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेंथ रिज पावर सिक्स टू टेंथ इज पावर एट पर ओम पर सेंटीमीटर तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मेटल्स की इस रेंज में टेन के साथ सिक्स जीरो लगे होंगे टू टेंथ रिज पावर एट पर ओम पर सेंटीमीटर पर ओम पर सेंटीमीटर जो है कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं तो नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं दीज आर दो विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन इनमें क्या आती है केमिकल चेंज होती, होती है केमिकल रिएक्शन होती है विच अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम बाई ंग केमिकल चेंज तो कैसे होता है ये होता है आइनिक सॉलिड्स में मूवमेंट ऑफ आइंस अंडर द इनफ्लुंस ऑफ अप्लाइड फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस तो आइंस मूव करना शुरू करते हैं मूवमेंट ऑफ आइंस जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या होता है ये आयनिक सॉलिड्स में होता है एग्जाम्पल है आयनिक सॉलिड आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट स्टार्ट कंडक्टिंग इन मोल्टन स्टेट आर इन एक्वा सोल्यूशन तो सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं क्योंकि आयन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसटिक फोर्स से बंधे होते हैं जुड़े होते हैं तो इसलिए वो फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए जैसे उनका सोल्यूशन बनाते हैं एक्वा सोल्यूशन में सोल्यूशन इन वाटर या क्या कहते हैं मोल्टन स्टेट मीन मेल्ट करते हैं, हैं पिघलाते हैं तो तब आइन्स फ्री हो जाते हैं मूवमेंट पॉसिबल होती है तो मूवमेंट ऑफ आइन जो है रिस्पॉसिबल है तो केमिकल चेंज आ जाती है आयनिक सॉलिड्स में आयन्स फ्री हो जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आयन फ्री हो जाएगा केट और क्लोराइड आयन फ्री हो जाएगा ये आइन्स फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे तो मूवमेंट ऑफ आइन जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे तो मेटालिक सॉलिड्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और आयनिक सॉलिड में या क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड में मूवमेंट ऑफ आइंस और इसमें केमिकल चेंज आता है आयनिक सॉलिड्स इन मोल्टन स्टेट आर एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स तो कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स स्ट्रांगक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ईजीली डिसोशिएट होते हैं कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं इन टू आइंस तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है टू लार्ज एक्सटेंट क्योंकि जितने ज़्यादा आयस होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एक्ज़ाम्पल है सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेसिस और ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड बेसिस, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे क्योंकि वो ईजिली डिसोशिएट हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर क्या होता है आइंस फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड और एनोड सोल्यूशन जो होता है उसमें आयन फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तो जैसे सोडियम क्लोराइड है सोडियम पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे मूव करेंगे और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो ये मूवमेंट जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ईजिली डिसोशियेट नहीं होते हैं स्मॉल एक्सटेंट के लिए डिसोशिएट होते हैं तो बहुत कम आइन्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए तो इनके अंदर जो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक होती है बहुत कम होती है तो वीक एसिड वीक बेसिस और सॉलसा वीक एसिड एंड बेसिस जो होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे सिल्वर क्लोराइड एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन फ्लोराइड एस्टिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनोइड ये बेस है वीक बेस ये एसिड्स हैं वीक एसिड्स ये सॉल्ट तो थर्ड टाइप है इंसुलेटर सॉरी सेकेंड टाइप जो है इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स द सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर इंसुलेटर्स क्या कहते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते इलेक्ट्रिक करंट गुजरने नहीं देंगे अपने अंदर से वो इंसुलेटर होंगे हाउ एवर देयर इज़ वेरी लिटिल इंक्रीज़ इन कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है थोड़े से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए लेकिन वो ना के बराबर होते हैं सो दे हैव कंडक्टिविटी इन द ऑर्डर ऑफ टें पावर माइनस ट्वेल्व पर ओम पर सेंटीमीटर तो कंडक्टिविटी क्या है टेन रिज पावर माइनस ट्वेल्व मीन वन को डिवाइड करना है टेन रिज पावर ट्वेल्व से पर ओम पर सेंटीमीटर ये कंडक्टिविटी होगी इंसुलेटर तो बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी uh, होती है सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं थर्ड टाइप सॉलिड की सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स द सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर तो सेमी सेमी uh, कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच में होती है तो मेटालिक कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है आर सेमी कंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इन द रेंज ऑफ टेन रिज पावर माइनस सिक्स टू टेन रिज पावर फोर ओम पर सेंटीमीटर तो टेन रिज पावर माइनस सिक्स ये ज़्यादा है इंसुलेटर से टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व मीन वन को डिवाइड करना है टेन रेज पावर सिक्स तो इससे ज़्यादा है इंसुलेटर से ज़्यादा है और टेन रेज पावर फोर ओम तो ये जो मिनिमम वैल्यू है मेटालिक कंडक्टर की टेन रेज पावर सिक्स उससे कम है टेन रेज पावर फोर तो इस रेंज में कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीज़ तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की भी इंक्रीज़ करती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप जो है वो कम हो जाता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इजिली एक्साइट हो जाता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कंडक्टर के केस में इंसुलेटर में भी ऐसा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्री होते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो है सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है तो इन मेटालिक कंडक्टर जो हैं इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो मेटालिक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी तो ये डिफरेंस है सेमी कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में उसमें डिक्रीज़ करती है विद इनक्रीज इन टेम्परेचर और सेमी कंडक्टर में इंक्रीज करती है विद इनक्रीज इन टेम्परेचर तो ये थी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स थैंक यू